बच्चों आज मैं मॉड्यूल थ्री मॉड्यूल फोर का लास्ट uh, कंटेंट बताने जा रहा हूं जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन बाय एनदर नेम डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वही हमने लिखा भी है

ग्राफ ऑफ द एसोसिएटेड प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज बेल से पीक एट द मीन एंड इज नोन एज गशन आर बेल कर्ब ये लाइन आपको नहीं समझ आ रही होगी क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल लाइन है बेलसेप्ड बेलसेप्ड आपने ग्राफ अगर आप देखा आपने देखा हो तो ग्राफ इस तरह बेलसेप्ड ग्राफ ऐसे होता है जो आप दिख रहा है यही नॉर्मल कर्ब का ग्राफ है इसी को हम बेल सब ग्राफ बोलते हैं शो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मतलब ये है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं px 1 सिग्मा √ 2 पाई e 1 2 (x μ सिग्मा) 2 here since this probability this normal distribution is of continuous type distribution so now here x vary from minus infinity to infinity where where mu is the mean mu is the mean and sigma is the standard deviation म्यू और म्यू और सिग्मा के बारे में आगे, आगे आपको बताया जाएगा कि क्यों म्यू मीन होता है और सिग्मा क्यों स्टैंडर्ड एवियशन होता है इसको निकाल के बता दे, के जाएगा यहाँ एक नोट हमने डाल दिया है कि यदि मीन जीरो हो जाए मीन मीन म्यू जीरो हो जाए एंड स्टैंडर्ड एवियशन वन हो जाए सिग्मा वन हो जाए तो ये ऊपर का जो इक्वेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पावर माइनस वन क्लियर सो विच इज नोन एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब वेन एवर मीन बिकम जीरो स्टैंडर्ड एविशन बिकम सो प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स ओके आर ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज टू पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वंस द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर नोन द सेफ आर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्प्लीटली डिटर्मिन मीन्स हमें फाइंड आउट करना क्या है मीन और सिग्मा मीन क्या है मीन मतलब म्यू और सिग्मा स्टैंडर्डेशन uh, मतलब सिग्मा ये दोनों वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट हो तो हम आसानी से इसके ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं अगला क्या है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हियर प्रॉपर्टी द कर्व इज आपने फिगर देखा इससे पहले पे पेज पे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस किसे कहते हैं एक बार और देख लें आप कर वर्टिकल एक्सिस मतलब दिस एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस ये एक्सिस वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो कह रहा है द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल सिमेट्री के बारे में बताया जा चुका है कि एक जैसा दिखने वाला यह लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वर्टिकल एक्सिस थ्रू द मीन थ्रू द मीन दैट इज द रिजल्ट ऑफ द सिमेट्री एज ए रिजल्ट ऑफ दिमेट्री मी इन मीडियम एंड मोड ये कंटेंट मैंने आपको स्क्यूनेस के दौरान पढ़ा रखा है कि जब कोई स्क्यूनेस कोफिस जब जीरो होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल टाइप होता है जहां मीन मीडियम मोड दो तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं ये बताया जा चुका है इससे पहले भी पढ़ाया जा चुका है अगला दूसरा कंटेंट है सिंस देयर इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट इन द कर्ब सो इट हैज ओनली वन मोड क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होता है वो मोड को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इस कर्व में चूंकि एक मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका एक ही मोड होगा द कर्व इज एसिमटोटिक टू एक्सिस दैट इज इट बिकम्स क्लोजर टू एक्सिस बट नेवर एक्चुअली टचेज इट जैसा कि एसिमटोड्स के बारे में हमने आप अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए एसिमटोड्स आर द लाइन जो ऐसा प्रतीत होता है कि इस कर् को इधर बढ़ाए और इस लाइन को बढ़ाए तो कहीं जाके टच करेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है एसिमटोड का मतलब होता है अनंत स्पर्शी हिंदी में उसका मीनिंग होता है अनंत स्पर्शी मतलब ऐसी स्पर्श रेखा जो इनफाइनाइट पर टच करे तो यहां भी यही है द कर्व इज एसे टू एक्स एक्सिस इट बिकम्स क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट नेवर एक्चुअली टच इज इट चौथा जो है जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड द देंटल एक्सिस इज यूनिटी विच इज एसेंशियल फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो एरिया होता है इस कर्व का जो एरिया होता है अगर आप देखें इस कर्व का जो एरिया होगा इस कर्व का पूरा एरिया नॉर्मल कर्व का एक होता है इसका मतलब ये जो लाइन से आप आप सिमेट्री है इस पॉइंट पर ये जीरो होता है जीरो से लेफ्ट साइड फिफ्टी परसेंट और जीरो से राइट साइड फिफ्टी परसेंट इसका मतलब प्वाइंट फाइव परसेंट इधर और प्वाइंट फाइव परसेंट इधर तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे वन हो जाएंगे कंफर्म अब जो अगला कंटेंट है हम एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं इस नॉर्मल कर् के थ्रू हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके तीन चार स्टेप्स हैं जो कि आपको देखना है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व द एरिया ऑफ प्रोबिलिटी अंडर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर बाय टू ऑर्डिनेट एट एक्स इजिकल टू ए एंड एक्स इजिकल टू बी इज गिवेन बाई दिस हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं द एरिया ऑफ प्रोबिलिटी अंडर ए नॉर्मल ये सारी चीजें अभी प्रॉब्लम में आप देख लेंगे यहाँ चूंकि थियरी है ज्यादा समझ में नहीं आएगा द एरिया ऑफ प्रोबलिटी अंडर ए नॉर्मल कर्ब डिपेंड्स ऑन इट्स पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा म्यू इज ए मीन एंड सिग्मा इजैंड एरिया अंडर नॉर्मल कर्ब विल चेंज विद द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा यदि म्यू और सिग्मा चेंज हो जाएंगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा जो नॉर्मल कर्ब का है इफ लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा जब कभी भी एरिया होगा तो एक ही होगा हाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट अभी आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल वेरिएबल एक्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड हम किसी एक्स नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल रैंडम वेरिएबल एक्स को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड में इस फार्मूले से कन्वर्ट करते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस पांच सिकमा ये वैल्यू आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में बताया जाएगा कि ये वैल्यू जेड ही क्यू जेड चूज करते हैं जो जेड की वैल्यू ये होती है स्टेप्स क्या है इसके यूज द ट्रांसफॉर्मेशन दिस टू चेंज द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड इस रिलेशन का यूज करें पहले सबसे दूसरा द प्रोबिलिटी अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी दैट इज दिस इसको हम लिख ऐसे लिखते हैं पी ए लेस इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी जब हम ए पुट करेंगे इस फॉर्मुले भी एक्स की जगह तो ये जेड वन मिलेगा और जब हम बी पुट करेंगे तो ये जेड टू मिलेगा इसका मतलब प्रोबिलिटी ए पे जेड वन बी पे जेड टू तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां जेड वन और जेड टू इस तरह से डिफाइंड है क्लियर नाउ थर्ड स्टेप बी एज ए थर्ड स्टेप वी यूज द टेबल ऑफ एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्म हम बताएंगे आपको कि इस जेड की वैल्यू निकालते कहां से हैं एक टेबल दिया गया होगा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया अंडर द नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एक टेबल दिया गया हो वहां से इस जेड वन और जेट टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जनरली ये फिगर है आप देख लें ये ए और बी ऑर्डिनेट है ये म्यू क्या है मीन है म्यू मीन है यक्स इज इक्वल टू ए फर्स्ट ऑर्डिनेट ये सेकेंड ऑर्डिनेट इस पे जो यक्स नॉर्मल वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड वन है एक्स इज इक्वल टू बी पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड टू है इसका फार्मूला ये है ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करके इस इन स्टेप्स का यूज करके हम एरिया फाइंड आउट करते हैं कि हम कितने परसेंट एरिया में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जिससे हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएंगे ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम करने के दौरान समझ में आएगा अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम इसका मोमेंटम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मीन और वेरियंस कैसे फाइंड आउट करेंगे धन्यवाद